वैसे क्वांटम की मैंने पहले बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ, ये एक नया मॉडल आया है तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ, जो दोस्त को चाहिए होगी वो मंगवा भी सकता है। इसको उन्होंने 10th जनरेशन का नाम दिया है। कुछ इस तरह की इसकी पैकिंग बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये तार यहाँ पावर में लग जाएगी, उसको कंप्यूटर में लग जाएगी, और साथ ये वाली तार यहाँ लग के उसमें हाथ के अंदर इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी। कुछ इस तरह की बनी हुई है, और कुछ कईयों के अंदर राड होता है जो बंदा हाथ से पकड़ता है, कईयों के ऊपर मशीन के ऊपर हाथ रखना पड़ता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ है, इसके अंदर आपने ये चीज़ बनी हुई है, ये जैसे टोनिकेट होती है इंजेक्शन लगाने से पहले, इस तरह से आपने पहले हाथ में पहना देना है, पेशेंट के हाथ में से लगा के कलाई पे लगा लेना है, यहाँ से इसको टाइट करना है, यहाँ से इसको खींच लेना है, आपने खींच के टाइट कर देगा। अब ये आपकी कलाई पे लग चुके हैं, बाकी हम आगे काम करते हैं इसका कंप्यूटर के ऊपर, वो आपको दिखा देते हैं। डायलॉग ओपन होता है, यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे आकर मरीज का नाम पता लिख देंगे, टाइट करेंगे, ग्रिफली नहीं अभी चल चुकी है, जो हमने टाइट किया तो ये स्टार्ट हो गई है। ये सॉफ्टवेयर जो है हमारे सीडी से हमने निकाल ली है, इसकी बैकअप फाइल मिल चुकी है हमें, ये अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, 5-6 सेकंड जो लगेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा उसके अंदर। तारें जो थे हमने ऑलरेडी कंप्यूटर के साथ जो कनेक्ट कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया, यूएसबी वगैरह अटैच करके सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है हमारे सामने। हम ये से डोजेस पे चल जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, पेशेंट का नाम लिख देंगे जो भी इसका नाम होगा, मेल फीड में सेलेक्ट कर देंगे, ये डेट ऑफ बर्थ लिख दी, ये हाइट आ जाएगी और ये वेट आ जाएगा, ये सेव कर देंगे, यहाँ से टेस्ट पे चले जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ये मशीन जो चल रही है अभी, ये दानी इसकी मुकम्मल हो जाएंगी तो हम इसको फिर कर देंगे स्टॉप, ओके कर दिया, यहाँ से सेव कर देंगे इसको।
इसका ये है कि इसके ये डायल अप थोड़ा सा डिफरेंट है। आप ये देखें ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ आ रही है, चीज़ लिखी हुई आती है, रास्ता बना हुआ है नीचे, ये सारी चीज़ें।